हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखो डिस्कस करेंगे कि जो हेरिडिटी या वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं कोई भी स्पीशीज में, तो वो क्यों आ रहे हैं, उसका क्या रीजन है, कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ये सभी हमें यहाँ इन दिस चैप्टर में इस चैप्टर में हमें क्या करना है, वो सभी डिस्कस करना है। क्लियर? नॉर्मली अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम देखते हैं कि जो फ्लावर रोज फ्लावर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अगर उसकी ग्रोथ होती है तो भी वो फ्लावर जो है सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो स्पीशीज है वो चेंज हो गई हो या उसमें कोई वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि जो फ्लावर है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वल है या उनके जैसा ही दिखाई देता है हमें। सिमिलरली जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या उनके जैसे ही क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ये देखने को इसीलिए मिल रहा है। देखो, इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं बट कंप्लीटली जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हेरिडिटी है, मैं यहाँ पे आपको हेरिडिटी वाले टॉपिक पे लेके आना चाहती हूँ। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हेरिडिटी। तो ये आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं कि चिल्ड्रन हो रहे हैं एंड देन फिर जो प्लांट है, सपोज दैट हम फ्लावरिंग जो प्लांट है उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट होता है, उससे फिर न्यू प्लांट फॉर्म होगा तो उसकी ग्रोथ भी वैसी होगी सेम, और उसमें भी फ्लावर आते हैं। ओके, फिर उससे नेक्स्ट फ्लावर प्लांट वो होगा, फॉर्म होगा, फिर उसमें भी फ्लावर आएंगे, तो ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाएगा ये प्रोसेस, ही हेरिडिटी कहलाएगा कि जो पेरेंट्स है उनसे क्या हो, न्यू ऑफस्प्रिंग क्या हो, प्रोड्यूस हो। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, हेरिडिटी। क्लियर? तो यहां देखो, हेरिडिटी क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन है किसका, कैरेक्टर का। ओके, हेरिडिटी क्या है, कि ट्रांसमिशन है, कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, अब जब इनका ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का, जैसे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा तो उनमें क्या होता है, कुछ वेरिएशंस तो देखने को मिलते ही हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि जनरली जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो उनमें कुछ कैरेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल अपने पेरेंट के बिल्कुल इक्वल होते हैं या सेम होते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं या कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनमें क्या हो, डिफरेंसेस देखने को मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएशन। क्या कहलाएगा वो टर्म, वेरिएशन। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वेरिएशन हमें हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखो जो प्लांट्स है, नॉर्मली देखो प्लांट्स है तो उसको हम उसकी जो लेंथ है उसके बेसिस पे हम उसमें वेरिएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो होता है लॉन्ग या टॉल प्लांट, सेकेंड जो होगा वो ड्वार्फ होगा, और फिर मिडिल। तो तीन कैरेक्टर हो गए इसके। क्लियर? फ्लावर के क्या होगा, थ्री कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गए ना इसमें, टॉल, ड्वार्फ एंड मिडिल, तो थ्री कैरेक्टर हो गए। तो इस तरह से वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं बट उनके जो प्रोसेसेस होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके, प्रोसेसेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ ये प्रोसेसेस या वेरिएशंस हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं, तो देखो रिप्रोडक्शन जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो मेल प्लांट होता है या मेल जो होते हैं उनमें उनसे क्या होती है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो होते हैं उन दोनों में जब क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म होता है, टूएन, यानी कि डिप्लॉइड जो है, जायगोट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, और इस जायगोट के फॉर्मेशन के थ्रू ही फिर
न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. ओके तो इस कंडीशन में जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में उनको उसको क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस की कंडीशन में भी कुछ वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं. आधा जो और बाकी जो रिमेनिंग वेरिएशन है वो किस वजह से होते हैं कि जब फ्यूजन होता है तो आफ्टर फ्यूजिंग जो है यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन में जो है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है. क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और क्रॉसिंग ओवर में जीन का क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है. और इस एक्सचेंज की वजह से ही क्या होता है, हमें जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. क्लियर. अब ये वेरिएशंस या जीन, हमने यहाँ पर जीन क्रॉसिंग ओवर की बात की जिसमें हमने जीन एक्सचेंज की बात की है. तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, जीन्स में. और जीन्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो डीएनए जो है उनमें ये क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं. तो डीएनए में, डीएनए क्या है, एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल है जो कैरेक्टर्स हैं उनको वन पेरेंट यानी कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए. तो वेरिएशन इसलिए हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं. क्लियर हो गया है. यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो ईयर लोब होता है ह्यूमन में, जो ईयर लोब होता है वो ईयर लोब कुछ ह्यूमन में तो क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. जो लोअर पार्ट होता है ईयर लोब का वो क्या होती है, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है. और कुछ में क्या होता है, कुछ पीपल्स में या कुछ पर्सन्स में वो ईयर लोब क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है. ओके तो ये डिफरेंसेस या वेरिएशंस क्यों देखने को मिला, बिकॉज वहाँ क्या हुआ, वेरिएशन क्यों देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर जो है जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पर जब जायगोट फॉर्म हो रहा था तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है. क्लियर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग ही ये चेंजेस होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी वजह से वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर हो गया है. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हम ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो किन्हें कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है. अब ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा, क्यों कहा, क्या किया उन्होंने ऐसा, तो हम उनका जो वर्क उन्होंने किया था वो डिस्कस करेंगे. ओके देखो, मेंडल जो थे उनका जो बर्थ हुआ था वो 1822 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के सिलिसिया जो विलेज था उसमें इनका जो है बर्थ हुआ. ओके और इन्होंने जो है वहीं पर ही अपनी क्या की, इनिशियल जो एजुकेशन थी वो प्राप्त की थी या वहीं से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी. उसके बाद इन्होंने जो है मॉन्टेसरी में वर्क किया. ओके कहाँ वर्क किया, ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में मॉन्टेसरी में वर्क किया था. और उसी टाइम पर जो है ये क्या थे, वहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, अपना वर्क स्टार्ट किया 1856 to 1867 में तक इन्होंने जो है अपना वर्क किया. ओके और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था. ओके तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वेरियस जो है क्या देखे थे, एक्सपेरिमेंट किए थे और उनसे बहुत सारे कंक्लूजन इन्हें मिले थे जिनको इन्होंने अपनी जो है जर्नल में क्या किया था, पब्लिश किया था. ओके क्या किया था, एक जर्नल में पब्लिश किया था. इनकी जो फेमस जर्नल थी जिसमें इन्होंने पब्लिश किया था या जो न्यूज़ जो थी वो या बुक जो थी वो कौन सी थी, इन्होंने जो वर्क किया था वो जिस जर्नल में पब्लिश किया था उस जर्नल का क्या नाम था, नेचुरल हिस्ट्री.
जर्नल में इन्होंने जो है पब्लिश किया था अपना जो वर्क था उसको, और पेपर मेंडर ने जो है एक अपना जो है एक्सपेरिमेंट को एक पेपर में भी पब्लिश किया था। उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या नाम दिया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल जब तक जिंदा थे या मौजूद थे उस टाइम पर उनकी कोई वो इतने पब्लिसिटी नहीं थी, यानी कि वो इतने फेमस नहीं हुए थे, बिकॉज उनकी जो है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसको कोई समझ नहीं पाया था उस टाइम पर, वो उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए थे, या जो लोग थे या पीपल से वो उसको ईजिली समझ नहीं पाए थे। ओके, तो इसलिए उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, उनकी डेथ के 16 ईयर बाद, और इनकी डेथ कैसे हुई थी, इनकी डेथ जो है इनको किडनी से रिलेटेड जो है डिजीज थी, और उसकी वजह से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हुई थी। ओके, अब इनकी डेथ के 16 इयर्स बाद यानी कि 1900 में जो है तीन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको डिस्कवर किया या वापस से उन पर जो है क्या कि एक्सपेरिमेंट किया। तो वो तीन साइंटिस्ट जो थे उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन कौन थे उनके नेम हम डिस्कस कर रहे हैं। सो रीडिस्कवरी जो है की थी उनमें जो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे कार्ल कॉरेंस। ओके, कार्ल कॉरेंस जो थे वो जर्मनी के थे, सेकंड ह्यूगो डी ब्रीस, ह्यूगो डी ब्रीस जो है हॉलैंड से थे, थर्ड है एरिक वॉन शर्मन, एरिक वॉन शर्मन जो कि कहाँ से थे, ऑस्ट्रिया से। ओके, तो इन्होंने क्या किया, मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको फिर से क्या किया था, रीडिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को वापस से रीडिस्कवर किया था। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर। हम बात कर रहे हैं तब से कि कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो कैरेक्टर क्या है एक्चुअल में, देखो कैरेक्टर जो हैं वो क्या होते हैं कि जो रिकॉग्नाइजेबल जो फीचर्स हैं जिससे कि कोई भी जो पर्सन है उसको क्या किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके या उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वो उसके क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स। तो यहाँ कैरेक्टर्स जैसे सपोज दैट हाइट, ओके हाइट, आई कलर, जो हेयर है, हेयर शेप, फेस का जो शेप है या नोज के थ्रू या नोज शेप के थ्रू भी हम उसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उसके कैरेक्टर हो जाएंगे। सिमिलरली जो ट्रेट्स भी इनको कहा जाता है, ओके ट्रेट किसे कहेंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की जो वेरियस फॉर्म होगी, जैसे सपोज दैट हम हेयर्स कंसीडर करें, तो देखो फॉरेनर्स जो होते हैं उनके हेयर्स डिफरेंट होते हैं, तो ब्राउन होते हैं, किसी के जो है येलोइश कलर होते हैं, क्रीम कलर के भी होते हैं, वाइट और जो ब्लैक है, ब्लैक तो वैसे कॉमन ही है। ओके, तो ये डिफरेंसेस भी तो देखने को मिलते हैं हमें किसमें, हेयर में। तो ये क्या होगा, ट्रेड्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर। तो यहाँ हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर यानी कि ट्रेट्स डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से ट्रेट्स जो हैं वो कंसीडर किए थे। तो देखो मेंडल ने जो है कितने जो प्लांट्स था उसके 7 कैरेक्टर पर ही क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि 7 कैरेक्टर्स को ही उन्होंने कंसीडर किया था। क्लियर। यहाँ देखो फिर होमोजाइगस और हेटरोजाइगस भी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि होमोजाइगस और हेटरोजाइगस क्या होता है। तो देखो एक्चुअल में होमोजाइगस और हेटरोजाइगस का मीनिंग क्या है कि जब क्या होता है, टू फैक्टर्स जो हैं वो सेम कैरेक्टर वाले होते हैं। टू फैक्टर्स कैसे होते हैं, सेम कैरेक्टर वाले होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अगर सपोज अगर हम कोई प्लांट कंसीडर कर रहे हैं और उसकी लेंथ के लिए हम उसे टॉल कंसीडर करें कि टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट के लिए उसके टू फैक्टर्स जो है वो जब सेम
यानी कि सेम होते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस कंडीशन। बट जब ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे कि एक तो कैपिटल टी है और दूसरा है स्मॉल टी है। ओके, तो इस कंडीशन को फिर हम क्या बोल देते हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट देखो फिर यहाँ हमने जब क्रॉसिंग ओवर की बात की थी तो मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया कि वहां पर जो है जीन्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो जीन क्या है, तो जीन एक यूनिट है। क्या है जीन, यूनिट है जो कि किसकी यूनिट है, हेरिडिटी की। जो हेरिडिटी या हेरिडिटी जो देखने को मिलती है तो वो जीन्स के थ्रू ही देखने को मिलती है। ओके, तो हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है, जीन्स होती है जो कि कैरेक्टर्स को वन पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन में ले जाती है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर जो ट्रेट मेंडल ने कंसिडर किए थे प्लांट के वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सीरियल नंबर, कैरेक्टर, डोमिनेंट, एंड रिसेसिव। फर्स्ट जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं लेंथ ऑफ प्लांट जो मेंडल ने लिए थे, हम उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं लेंथ ऑफ प्लांट तो प्लांट की लेंथ डोमिनेंट के लिए जो है टॉल, टॉल जो होता है वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो कौन सा है, वार्स। The second is flower position. Flower position dominant होता है axial and recessive है terminal. The third point is shape of pole shape of pole the pole shape जो है वो कौन सा होगा, inflated। Shape of pod inflated and recessive character होगा वो है constricted। Okay, now the fourth character is color of pod so pod color the dominant color is green color is yellow. The fifth point is shape of seed. Shape of seed, the round seed is dominant. Round seed is dominant and recessive is wrinkled. Shape of seed is round and wrinkled. Okay. The next character is, the sixth character is color of cotyledon. Color of cotyledon. Yellow is dominant and green is recessive. The next and last character is color of flower. Color of flower. Okay, so
डोमिनेंट जो है कलर फ्लावर का वो होता है वायलेट, वायलेट कलर, एंड रेसेसिव कलर इज वाइट। ओके, सो ये 7 जो है कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये 7 कैरेक्टर के बिटवीन ही उन्होंने क्या किया जो है क्रॉस करवाए थे, हाइब्रिड जो क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, तो उस बेसिस इसके बेसिस पर ही उन्होंने क्या किया फिर जो है एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है जब नेक्स्ट जनरेशन मिलती है तो उसमें किस तरह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पर जो है जो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्रॉस किया जाता है और किस तरह, और फिर हम उसको जो है उससे कंक्लूजन निकालेंगे कि किस तरह से जो है वेरिएशंस आते हैं और किस तरह से देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो अब हम यहाँ पे जो है फर्स्टली डिस्कस कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो देखो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम किसे कहेंगे, क्रॉस का मीनिंग होता है कि दो कैरेक्टर्स वाली जो स्पीशीज है उनके बिटवीन क्या करवाना, क्रॉस करवाना। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स में सारे ही कैरेक्टर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट हम किसी एक कैरेक्टर को लेके अगर क्रॉस करवाएंगे तो वो हमें उससे हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज हम सारे कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे तो फिर उससे कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर मेंडल जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था मेंडल ने वो हम डिस्कस करें। तो मेंडल ने क्या किया, जो प्लांट है उसकी एक कैरेक्टर को ही कंसीडर किया था। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मोनो हाइब्रिड हमने क्यों बोला, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा कि जब क्या किया जाए, एक कैरेक्टर वाले जो है स्पीशीज है उनके बिटवीन ही क्रॉस करवाया जाए तो उस क्रॉस को फिर क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब इस हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने करवाया तो उसमें F1 जनरेशन जो मिली थी, उस F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स थे वो तो कैसे मिले थे, टॉल थे, और प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। बट जब उसने क्या किया, उन जो फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन जो उसे मिली उनके बिटवीन जब क्रॉस करवाया उन प्लांट्स के बिटवीन, तो उसे जो है वेरिएशंस देखने को मिला। जब वो F2 जनरेशन मिली तो उसमें उसे क्या देखने को मिले थे, कुछ वेरिएशंस देखने को मिले थे। दैट मींस एक जो है प्लांट वो तो उसे बिल्कुल जो प्योर टॉल होता है वो मिला है, दो उसको जो है हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले थे और एक जो है ड्वार्फ प्लांट देखने को मिला था। तो ये वेरिएशंस क्या हुए वहां पर उसको देखने को मिले, जिसके बेसिस पर उसने स्टडी की और उसको फिर उसने अपने जो है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने कंक्लूजन में नोट किया था और उसको पब्लिश भी किया था। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो करके देखेंगे कि किस तरह से मेंडल ने क्रॉस करवाया था और उसको किस तरह से जो है यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला था। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी यहाँ पर जो है उसको ईजिली मिल गया था कि जीनोटाइप रेशियो जो है वो कितना था और फिनोटाइप रेशियो कितना था, तो यहाँ हम वो भी डिस्कस करेंगे। बट हम पहले यहाँ पर जो है जो क्रॉस करवाया था उसने वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर प्लांट का एक कैरेक्टर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, तो यहाँ देखो ड्वार्फ और टॉल प्लांट के बिटवीन जो है उसमें क्रॉस करवाया था। तो हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया है और टॉल प्लांट को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से। ओके, और ड्वार्फ प्लांट को कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल टी से। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, ये होमोजाइगस कंडीशन है इनकी। ओके, इनसे जो है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल। ओके, नाउ क्रॉस जब आप करवाओगे इनमें तो ये इस तरह से क्रॉस होगा।
कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये एप्पल जनरेशन जो मिली इसको, तो एप्पल जनरेशन में और प्लांट कैसे हैं? और प्लांट्स जो है टॉल्स हैं, ओके। तो और प्लांट्स बट जब उसने क्या किया, F1 जनरेशन वाले कोई भी दो प्लांट कंसीडर किए उसने और उनके बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवाया। तो यहाँ देखो, जब हम F1 जनरेशन से मिलने वाले जो प्लांट्स हैं उनके बीच में जब क्रॉस करवाया उसने, तो उसे क्या देखने को मिला, इस तरह की आप इसमें जो है इस तरह से भी बना सकते हो क्रॉस, या फिर आप चेकर बोर्ड जो होता है उसको भी यूज कर सकते हो, जो बॉक्स वाला मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो हमने प्लांट लिए हैं, उनके कैरेक्टर लेकर जीरो किए हैं, ओके। इनमें से एक प्लांट कौन सा होगा, मेल होगा, और एक कौन सा होगा, फीमेल प्लांट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, जो कि प्योर कैसा होगा, टोल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी, ओके। तो यहाँ पर आपको देखो कैसे देखने को मिल रहा है कि एक प्लांट तो जो है वो प्योर क्या है, टोल है, प्योर टोल। एक प्लांट जो है, आप दो प्लांट कैसे है आपके पास, टू प्लांट कैसे है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, जो कि कैसे है, हाइब्रिड टॉल। एंड जो वन प्लांट जो है वो कैसा है, स्मॉल टी वाला है, यानी कि वो कैसा है, ड्वार्फ है। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये जो जनरेशन आपको मिली है ना, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो यही रीजन है कि वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से आप जो है इसका जीनोटाइप बता सकते हो। अब देखो, नॉर्मली जब हम जीनोटाइप देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि एक प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, और एक ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन ड्वार्फ और टॉल में तो आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इजिली। तो यहाँ रेशियो क्या होगा, 1:2:1, बिकॉज एक प्योर टॉल है, दो कैसे हाइब्रिड टॉल है, और एक कैसा है, ड्वार्फ है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 1:2:1 होगा। सिमिलरली जब इसका हम फिनोटाइपिक रेशियो लेंगे, तो फिनोटाइपिक रेशियो में जब हम फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जब उसके जीन को नहीं कंसीडर किया जाए, दैट मींस उसको जो है नॉर्मली देखा जाता है, उसके जो आउटर कैरेक्टर है उन्हें देखा जाता है। तो आउटर कैरेक्टर में हमें जो प्लांट्स होंगे हाइब्रिड, जो टॉल प्लांट है वो टॉल ही नजर आएंगे। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ रेशियो क्या आ जाता है, 3:1 का रेशियो हमें देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि यहाँ जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो कितना क्या है, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, ओके। ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है मेंडल ने करवाया था, और उसे भी यही रिजल्ट्स देखने को मिले थे। क्लियर हो गया यार? तो ये हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंडल का जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस हम किसे कहेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम टू कैरेक्टर्स क्या करेंगे, लेंगे और उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। टू प्लांट्स के टू कैरेक्टर्स कंसिडर करेंगे और उनके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो हमें और ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन देखने को मिलेंगे। सो दैट जैसे जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, उसी तरह से जो है वेरिएशन भी इंक्रीज होते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं। टू कैरेक्टर हम कौन सा ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं राउंड और येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो कलर। अब राउंड क्या है,
राउंड क्या है, सीड का जो शेप है वो, और पॉड सॉरी और जो कॉटिलीडन जो कलर है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर टू कैरेक्टर कंसिडर करें, कौन कौन से टू कैरेक्टर, सीड शेप और कॉटिलीडन कलर। ओके, तो ये टू कैरेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सीड शेप जो डोमिनेंट होता है वो है राउंड, एंड कॉटिलीडन कलर जो डोमिनेंट है वो कौन सा है, सिमिलरली ड्वार्फ सॉरी जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो है ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट वो है रिंकल और ग्रीन। ओके, सो यहाँ पर हम राउंड को ले लेते हैं आर से, कैपिटल आर, और येलो को हम ले लेंगे वाई से, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, ये हम ले रहे हैं। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट स्मॉल आर प्रिंकल के लिए, और स्मॉल वाई हम ग्रीन के लिए लेंगे। यस, सो नाउ यहाँ पर जब हम इनके बिटवीन क्रॉस करवाते हैं, तो आफ्टर क्रॉसिंग यहाँ पे सबसे पहले देखो इनसे हम जो है बनने वाले जो गैमिट्स होंगे वो कंसिडर करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल है। ओके, अब इनके बिटवीन जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस से देखो दो फोर बनेंगे, फोर तो बनेंगे लेकिन सभी कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पर टू कंसिडर करें जिससे कि हम क्रॉस उसके बाद फिर हम डायहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। ओके, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एफ वन जनरेशन में तो सभी प्लांट्स कैसे होते हैं, सेम होंगे। ओके, ये एफ वन जनरेशन है, एफ वन जनरेशन में सभी प्लांट्स कैसे हैं, सेम है। ओके, अब यहाँ क्या होंगे, इनसे देखो क्या बनेंगे, फोर कैरेट जो है फोर गैमेट्स फॉर्म होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब हम देखो इसको फॉर्म करते हैं एफ टू जनरेशन के लिए, यहाँ एफ टू जनरेशन यहाँ पर देखो वही प्लांट और सॉरी मेल एंड फीमेल प्लांट होंगे, तो ये मैं ले लेती हूँ फीमेल और ये मेल, ठीक है। गैमेट्स जो बने थे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ क्या होंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, नाउ यहाँ पर जब क्रॉस होगा तो कौन कौन से जो है यहाँ पर फॉर्म होंगे, तो देखो ये वाले का जब इससे क्रॉस होगा तो क्या आएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। ओके, ये जो प्लांट है जब इस प्लांट से क्रॉस करेगा तो क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्लियर। ये प्लांट जब इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये करेगा क्रॉस तब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके, नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर
स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नो नो कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ओके नेक्स्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नो कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. तो सिर्फ एक ऐसा वो मिलता है हमें प्लांट जिसमें कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं. यानी कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या मिलेगा, जो रेशियो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. क्लियर? तो हम यहाँ पर जो रेशियो आता है, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब इसका रेशियो जो आएगा, तो ये हमें जो मिलेगी ना, ये एफ टू जनरेशन है. ओके, क्या है ये एफ टू जनरेशन है? किसकी? डायहाइब्रिड ओके. और इस एफ टू जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप जब हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है. तो यहाँ देखो फिनोटाइप जो होता है हमें मिलेगा वो क्या होगा 9:3:1. ओके, ये तो फिनोटाइप है, बिकॉज बाहर से यानी कि उसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो देखने पर तो हमें बहुत सारे प्लांट्स तो सेम ही क्या होंगे नजर आते हैं. ठीक है, बट यहाँ जीनोटाइप जो देखा जाता है तो उस जीनोटाइप में इतने ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. क्लियर? तो यहाँ देखो 1:2:1, 1:2:1, 2:1:2, 2:1:4. ओके, ये आपको जो है जीनोटाइप यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलता है. क्लियर? तो ये रेशियो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर. क्लियर? तो ये हमने क्या डिस्कस किया है, डायहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टर्म यहाँ पर यूज कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, जीन एंड एलील्स और फिनोटाइप जीनोटाइप, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. क्लियर? ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.